पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी आज निधन हुआ। झारखंड के खेल मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने विजयदशमी के दिन देवघर जिले के मधुपुर में एक कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर दी। जबकि मनमोहन सिंह जी अभी जिंदा हैं और एम्स में भर्ती हैं। एम्स के मुताबिक उनकी सेहत में सुधार भी हो रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी आज निधन हुआ। हम लोग अंतिम में एक मिनट के लिए मौन उनके नाम से रखेंगे। दरअसल देवघर जिले के मधुपुर प्रखंड में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में झारखंड के खेल मंत्री हफीजुल हसन अंसारी मौजूद थे। उन्होंने भाषण के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन की खबर सभी को सुनाई और श्रद्धांजलि अर्पित कर दी। अब इससे संबंधित वीडियो वायरल होने के बाद मंत्री की खूब किरकिरी हो रही है। इसके बाद मंत्री ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से सफाई दी है। लिखा है, मैं दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। कल एक प्रोग्राम में मैं था, उसी वक्त फेसबुक में देखे कि माननीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। हम भावुक होकर के मंच से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हम लोग कर दिए, जो बहुत बड़ी मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई। मैं देशवासी पूरे देशवासियों के साथ साथ उनके परिवार वालों से भी क्षमा मांगती हूँ। इधर हफीजुल हसन के बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी ट्विटर के माध्यम से तंज कसा है और कहा है कि जैसा राजा वैसा मंत्री। ये है हेमंत सरकार के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी। इन्होंने मात्र कुछ तालियों और मोदी विरोध के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का स्वर्गवास करा दिया। एक ओर भारत सरकार उनका बेहतर इलाज करा रही है, दूसरी ओर झारखंड के मंत्री उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।